आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी आईटी कंपनी, हमने टीसीएस की बात की, अब एचसीएल टेक। वह कंपनी के जून तिमाही के नतीजे एक्चुअली कमजोर रहे। आय 1% गिरकर 26,300 करोड़ रुपीज आई। डॉलर आय भी हल्की गिरावट के साथ 320 करोड़ डॉलर पर आई है और मुनाफा 11% गिरा है। सो ऑन ऑल पैरामीटर्स नंबर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहाँ से आया है दबाव और आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत करना चाहूंगी कंपनी के सीएफओ प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। प्रतीक, गुड आफ्टरनून। पहले तो सर, नंबर्स जो वीक आए हैं, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ एक्चुअली डीग्रू हुई है, गिरी है 1.3% और एस्टिमेट्स भी जो थे उससे कम आई है, उसका क्या कारण रहा और अब आउटलुक आगे क्या है सर? हमारा जो इस क्वार्टर का जो नंबर्स आया है, जैसा आपने कहा, वो एक्सपेक्टेशन से कम है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन से कम है। दो वर्टिकल्स हैं जहां सबसे ज्यादा हमें स्पेंड कट, डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो होता है वो कट होता हुआ दिखा है। सबसे बड़ा है टेलीकॉम और सेकेंड है टेक एंड सर्विसेज। लेकिन जो हमारे बड़े वर्टिकल्स हैं, जो थ्री लार्ज वर्टिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और LSH विच इज लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, उन विच कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ आवर रेवेन्यूज, उसमें ऑन ईयर बेसिस वी हैव सीन गुड ग्रोथ। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग on a sequential basis have shown a good growth also, but jo overall number hai that is got impacted by telecom and tech reductions. Okay, to ye karan rahe numbers kamzor aane ke. Sir, margins mein agar hum dekhte hain, operating margins 17% pe aaye hain jo ki bahut hi kam hai, significant lower than the estimates. क्या वजह अगेन मार्जिन्स जो प्रेशर में आए उसकी रही और आगे किस तरीके का गाइडेंस देंगे, स्पेशली जब आपने ऑलरेडी बोला है कि वेज हाइक्स भी आपने डिले किए हैं बाय क्वार्टर? सबसे पहले 17% इस क्वार्टर में मार्जिन है जो पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 17% था। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज कम्प्लीटली ऑड। देर इज अ सीजनैलिटी इन आवर बिजनेस। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा प्रोडक्टिविटी पास बैक होता है टू द कस्टमर्स, तो उसकी वजह से ड्रॉप होता है। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा ER&D का जो रिवेन्यू आया है और मार्जिन आया है वो भी कम है, तो इन दोनों की वजह से 17% पे है। लेकिन देर इज, हमने एक एक्शन प्लान बना रखा है, उस पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थोड़ा हमने एक्शन लिया Q1 में भी, बट जो रिवेन्यू में जो रिडक्शन आई है, सम ऑफ दैट हैज परकुलेटेड डाउन। लेकिन आगे जाते हुए हमने जो सीनियर स्टाफ है उनके लिए तो हमने इंक्रीमेंट्स इस साल में नहीं होंगे, ये हमने अनाउंस कर दिया है। और जो जूनियर स्टाफ है जिनको 1 जुलाई से इंक्रीमेंट्स हम लोग नॉर्मली देते हैं, वो हमने एक क्वार्टर से तो डिफर कर दिया है और अगले क्वार्टर में देखेंगे कितना इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक्शंस तो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा डिफरेंट लाइन आइटम्स ऑफ द P&L different actions are being taken, because obviously 17 से हमारा जो margin guidance है वो है 18-19% for the year, तो first quarter is obviously at 17, so हमारा Q3 typically seasonally high होता है, so that is what we will look forward to balance out the Q1. And Q2 and Q4 should be more around the normal within the band that we have announced for the year. ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और बताया किस तरह से नंबर्स आए, क्यों कमजोर नंबर्स दिख रहे हैं, बट ओवरऑल आगे किस तरीके का ट्रेंड और आउटलुक कंपनी एक्सपेक्ट करिए।